कोई सब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं उनको सिलेबस पढ़ा दिए बट उसके न्यूमेरिकल छोड़ दिए। तो इतना समय हो हमारे पास कि हम उनको कर सकें, सिलेबस उतना इतना ही हो जिसमें हम उस बच्चे को लेकर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग तक जा पाए, ऐसा ना हो सिलेबस बहुत ज्यादा और हम उसके एग्जाम में ही फंसे रह जाएं। तीसरी बात होती है कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए टीचिंग एड्स और आईसीटी का उपयोग बेहतरीन ढंग से होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए, और टीचिंग और लर्निंग में बच्चों का एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कोचिंग में जब बच्चे जाते हैं तो उनका सबसे अच्छी बात ये होती है उनका एंगेजमेंट होता है, उनको रिइंफोर्समेंट अच्छा मिलता है, अच्छा काम करते हैं तो उनको प्राइजेस मिलते हैं, उनको अवार्ड मिलते हैं। तो ये सारी चीजें भी स्कूल में होनी चाहिए सो दैट दे कैन पॉजिटिवली इंगेज विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, जी जी जो बायजूस है, नानक एकेडमी, ये सब है सर, एक्चुअली ये मास लर्निंग करवाते हैं जिसके अंदर बच्चे का डाउट क्लैरिफिकेशन जो है वो शायद कहीं ना कहीं बच्चा इसमें सफर करता है, ये हमने अपने घर में भी देखा और काफी बच्चों से डिस्कस करने के बाद भी ऐसा हुआ है। तो दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी एडेड कि जब एक टीचर फिजिकली हमारे सामने होता है तो उससे क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती है, तो वी कैन एड दिस पॉइंट ऑल्सो सर। या बिल्कुल, थैंक यू। हाँ, इट्स आल्सो अ गुड पॉइंट। मेरा प्रश्न है हिंदी टीचर्स से कि आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? यस, एनीबॉडी? आप ही बता दीजिए सर, क्लियर आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं लगाएंगे, आप ही बता आधुनिक दीजिए। कबीर नागार्जुन जी को कहा जाता है। जैसे जी कबीर दास जी में अक्खड़ बन था, वो किसी की भी प्रशंसा या बुराई या जो उनको अच्छा लगता था समाज से ग्रहण करके उसको बोल देते थे। उसी प्रकार से नागार्जुन जी भी, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू किया था तो उनके ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, तार दिया बेटे को, बोर दिया बाप को, मतलब बिना डरे बिना झिझक के उनके ऊपर सीधा प्रहार किया था, इसलिए उनको आधुनिक कबीर कहा जाता है। सर तो एक मेरा प्रश्न। हिंदी थैंक से यू एक सर। प्रश्न रहेगा, जी हिंदी सर, से एक जी प्रश्न है मेरा सर, कि एक मैं आपको छंद दे रहा हूं, चौपाई है, उसमें बताइएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। जी सर, कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, जी कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस सकल रस भोगी। जी भोगी बिनु वाणी वक्तावड़ जोगी। जी तो इसमें ये कौन सब सा अलंकार सर उपयुक्त है? बेसिकली इसमें ना बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। एक होता सर अतिशयोक्ति अलंकार, एक होता अतियुक्ति अलंकार। तो ये सर इसमें अतियुक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति होती है कि एक लिमिट में जो है उसकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है, और अतियुक्ति होती है कि जो लिमिट से बाहर की जाती है। तो इसमें सर पहली पंक्ति है जो आपने अभी बताया कि बिन पद चले, मतलब बिना पैर के चलना तो संभव नहीं है, तो ये अतियुक्ति में आता है। अगर ये कहा जाए कि लंगड़ा दौड़ रहा है तो वहां पर अतियुक्ति हो सकता है, इसको हम मान सकते हैं कि लंगड़ा आदमी दौड़ने का प्रयास करके दौड़ सकता है, लेकिन बिना पैर के दौड़ना और चलना ये अतियुक्ति में आ जाता है सर। ये तो पूरे पंक्ति में अतियुक्ति अलंकार है। सर अच्छा, एक एक क्वेश्चन है, यदि ये कंप्यूटर वाले सर विकास सर से क्वेश्चन है कि आप यदि बाकियों को भी इन्वॉल्व करो यार। देखो यहाँ पर निया भी वेट कर रही है, रोहित भी, रितु भी, सनी भी, नहीं पूछने दीजिए सर, ठीक है, मेरा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ पर पूछिए विदेश ठीक है। पूछिए सर। विकास विकास से पूछ सर लो, विकास से सर पूछ लो। विकास सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा सर। जी हाँ, जैसे सर जब परशुराम लक्ष्मण संवाद में एक जगह आता है कि जब उन्होंने भगवान राम ने धनुष तोड़ा था तो लक्ष्मण ने उस समय वर्णन किया था कि छुअत टूट रघुपति न दोसु मुनि बिनु काज करिये हाँ कपड़। कि छुअत टूट, जी छूते ही टूट गया, मतलब कि केवल छुआ धनुष को और टूट गया, ऐसा संभव नहीं है सर। ये उस तोड़ने का प्रयास किया था तभी टूटा था, लेकिन यहाँ पर भी अत्युक्ति अलंकार होगा, अतिशयोक्ति यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि छूते ही टूट गया, ऐसा उसमें कहा अच्छा, तो गया है। अतिशयोक्ति का कोई उदाहरण दीजिए ना, अतिशयोक्ति कोई उदाहरण दीजिए। हाँ सर, अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं आपके आपको भी बीच में बता देता हूँ सबसे बाद। भगवान की पूछ में लगन ने हाँ, पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर गए निशाचर भाग, भाग। अतिशयोक्ति। सर आज के डेट में जो डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसके मुताबिक यदि देखा जाए जी तो लाइब्रेरी का या ऑनलाइन भी तो ये पढ़ाई हो रहा है, तो इस हिसाब से लाइब्रेरी वाली सुविधा या विद्यालय जो ऑफलाइन जो हो रही है वो तो बंद कर देनी चाहिए सर, उस पर आप क्या कहना?
देखिए मेरा कहना यह है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन क्या होते हैं इसके अपने थोड़े से नुकसान भी हैं। अगर हम डिजिटाइज में जाएंगे ना तो इनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। अगर हम ज्यादा देर तक स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, जैसे संसार के बहुत सारे वैज्ञानिक इसी चीज में लगे हुए हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे लगभग हो गया है, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। 60 मिनट से ऊपर स्क्रीन टाइम एक 24 घंटे में इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक हेल्थ इश्यू हो जाएगा, वो समस्या। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अगर हम डिजिटाइज लाइब्रेरी की तरफ चले जाएंगे, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारी जो सोचने की क्षमता है, याद रखने की, म्यूट हो गया है आपकी तरफ से। फिर म्यूट हो गया है। म्यूट हो गया आपका। नेहा मैम ऐड करेंगी प्लीज। सर, जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो एक्चुअल में इम्पोर्टेंस बच्चों को जब हम देखते हैं, तो बच्चे बच्चों को जो हम विजुअलाइज करवाते हैं ना जो चीजें, या वो चीजें जब बच्चे सुनते हैं तो वो ज्यादा चीजें इफेक्ट पहुंचाती हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। जो मूवी हम लोग देख लेते हैं उसका इम्प्रेशन ज्यादा पड़ता है। एक बार अच्छे से, मुझे तो ये लगता है कि डिजिटलाइजेशन प्लस टेक्स्ट बुक का अपियरेंस, दोनों चीजें ही अगर बच्चों के सामने रखी जाए तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करवा सकती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना सर, जिनको टेक्स्ट बुक खरीदना, ये भी तो हम उसके पॉजिटिव चीजें बताने के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं ना कि दोनों का एक मिक्सचर जो होगा ना, वो शायद एक अच्छी चीज होगी हमारे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको एक फ्री असेस मिल रहा है डिजिटाइजेशन से। जैसे अगर आपने सुना हो तो पीएमई विद्या है ना सर, पीएमई ठीक ई है। विद्या तो मेरा एक कॉम्प्रिहेंसिव। मैंने जो मेरा कनेक्शन कट गया था शायद से, मैं बीच में कट गया था भाई, बात नहीं पूरी कर पाया। ठीक है, आप एक कंटिन्यू मिनट करिए फिर विकास, हम। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। हाँ जी सनी जी मैम, कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में पीछे से आवाज करता है, लेकिन हम बोर्ड वर्क करवा रहे हैं तो हमें उस चीज का पता नहीं चलता, तो हम उसे कैसे आपकी पहचान आवाज नहीं पाएंगे? आ रही है। कोई बच्चा क्लास में ऐसा है जो पीछे से आवाजें कर रहा है और हम बोर्ड वर्क करवा रहे हैं तो हमें उस चीज का पता नहीं लगता, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैम, ये चीज का मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था कि नवोदय के अंदर ना हम लोग बहुत बच्चों को क्या करते हैं, पूरी क्लास में पहले तो हमें टीचर, एज ए टीचर हम बहुत अच्छे से जज कर पाएंगे कि किस बच्चे ने एक्टिविटी ये की है। एक बार में नहीं पता चलेगा तो दूसरे तीसरी बार में हमें पता चल जाएगा। फिर भी हम लोग क्लास में ना कुछ बच्चे ऐसे अपने क्लोज रखेंगे जो पक्का क्लास के बाद, और प्राइमरी में तो ऐसा ही होता ही है, कुछ बच्चे ने हरकत कर दी तो साथ वाला बच्चा पक्का आपको बताने के लिए आएगा क्लास के बाद कि मैम उसने ऐसा किया। तो एक टीचर का भी स्टूडेंट्स तक वही अप्रोच होना चाहिए, वो इतना इंटरमिंगल होके उनसे बात करे कि वो आपको सारी सिचुएशन ऑफ द क्लास बता दे। तो हमें कुछ अपने क्लोज सॉफ्ट मेरा कॉर्नर में वो बच्चे रखने चाहिए इंटर। और रखेंगे तो उससे भी पता चलेगा थोड़ा मेरा प्रश्न सनी मैम से है। मैम, जैसे सा। कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और खेलने में अच्छा है या कोई भी शारीरिक क्रियाएं करने में अच्छा है, लेकिन पढ़ने में कमजोर है, वो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लास टीचर का ही काम होगा, क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है। अगर कोई बच्चा कम पढ़ रहा है तो मैं उसको खेल के बारे में बताऊंगी, उसको अच्छे अच्छे जो प्ले मान है उनके लीजिए बारे में मैम बता दूंगी, उनको मैम मोटिवेट मान लीजिए करूंगी। वो पढ़ने में, मान लीजिए वो पढ़ने में अच्छा है, खेलने में कमजोर है, इसी को हम उल्टा कर देते हैं उस। सर, मैं उसको एज ए फिजिकल एक्टिविटी उसका देखूंगी कि उसका बॉडी मूवमेंट कितना हो रहा है, मतलब उसको क्या दिक्कत आ रही है खेलने में, तो मैं उसको कोई स्टोरी बताऊंगी अच्छे प्लेयर की कि ऐसे खेलने से होता है। मैं उसके बेनिफिट बताऊंगी, खेलने से हमारा माइंड ऐसे काम करता है, हमारी बॉडी सर्कुलेशन अच्छा होता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देके सर मैं उसको मोटिवेट करूंगी खेलने के लिए। सर, सर मेरा मेरा नेहा मैम से वो जो डिजिटल एजुकेशन था उस पे एक क्वेश्चन बन रहा है। जी मैम, जी मैम, नेहा मैम, अगर बहुत से एरिया ऐसे होते हैं हमारे इंडिया में कि वहां पे लाइट नहीं आती है, तो वहां पे हम डिजिटल एजुकेशन को कैसे इनहेंस करेंगे, मतलब कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को वहां पे, जैसे रिमोट मैम एरियाज बोला है। जी 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 सर, जी मैम, रिमोट एरियाज के अंदर भी जो पीएम ई विद्या वाला इनिशिएटिव है ना मैम, अगर आप उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो एक्चुअल में इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव जहाँ पे सारे ई रिसोर्सेज, मतलब कंटेंट लर्निंग जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। और उसका एक्चुअल में मेन थीम भी है कि एनी वेयर एनी टाइम असेस आपको मिलता है। अगर बच्चे को थोड़ा भी इंटरनेट असेसिबिलिटी है कहीं पे भी जाकर, तो उसका डाउनलोडिंग एंड ऑल सब कुछ पॉसिबल है।
पर फिर भी हम रिमोट एरियाज में ऐसी जगह पे बात करते हैं जहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रही है, जैसे प्रिंटेड मटेरियल जो है ना मैम, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। यही मटेरियल जो डिजिटलाइज्ड ये बोले प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, उसका प्रिंट फॉर्म जो है, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोला जाता है, वो इवन एडल्ट एजुकेशन के लिए, फाउंडेशनल लर्निंग क्लासेस के लिए, ये छोटे लेवल के ऊपर टीचर स्कूल्स तक या उन बच्चों तक पहुंचाया भी जा रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो वहां अवेलेबल नहीं है तो उसका अभी जैसे कोरोना चला हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस चली थी, तो जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, उनके घर में लाइट है, तो वो उन्होंने कैसे मैनेज किया उस चीज को? उसके लिए मैम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आया था, मैं आपको दिल्ली स्कूल्स के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। उसमें था एक मिशन बुनियाद करके एक कंसेप्ट चला था। वो क्या था, उनको पता था कि अब जो बच्चे हमारे यहाँ पास यहाँ पर आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सफरर्स, उन्होंने पहले वाली प्रीवियस क्लासेस को नहीं अटेंड किया है, तो उनके लिए उन्होंने 1-on-1 बेसलाइन असेसमेंट का प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने पहले ये देखा कि कौन सा बच्चा किस लेवल पर स्टैंड करता है। 1-on-1 मतलब एक टीचर ने एक टाइम पर एक बच्चे को ही देखा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग देखा, फिर क्लास को बांट दिया दो सेक्शंस के अंदर, दो सेक्शंस में L1 और L2 बोला गया जिसको, तो उसके अंदर बांटने के बाद बच्चों का असेसमेंट भी उसी बेसिस पर किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि हमारे चैलेंजेस जो है, हमें उसको किसी तरीके से ओवरकम करना है, तो हम भी क्या कर सकते हैं इसके लिए एज अ टीचर, हमें उनका 1-on-1 असेसमेंट करना पड़ेगा, चाहे उसमें वो टाइम टेकिंग है, उसमें हमारा भी टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बच्चे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली वी कैन अचीव आर एम्स। तो वो उसके मेजर्स भी गवर्नमेंट लेकर सोचकर चल रही है मैम। नेक्स्ट प्रदीप, गेट रेडी, आवर कैंडिडेट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, ही इज फ्रॉम वाराणसी, मिस्टर विनोद। मिस्टर विनोद जल्दी पूछो। यस सर। जगदीश वो कह रहे हैं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है मगर वो इन दिनों थोड़ा वीक होता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट आंसर। उनका सर एसेस करेंगे, क्लास के टाइम में एसेस करेंगे क्या कि क्या उसका ये चल रहा है अभी। क्या आपको लगता है क्लास के टाइम में आपको एसेस का मौका मिल जाएगा? आप पढ़ा रहे हैं, आप कैसे एसेस करेंगे बच्चे को? सर ऑरल तो पूछ सकते हैं ना, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पूछ सकते हैं, या बीच में जब कभी जैसे 1 और 2 क्लास में, खास करके यूटी होता है, यूनिट टेस्ट होता है। पीआरटी लेवल की बात कर रहे हैं या पीआरटी है? ये भी पीआरटी है। हम भी सर पीआरटी की ही बात कर रहे हैं सर। 1 to 5 में 1 और 2 को अलग रखा गया, उसका फाइनल एग्जाम नहीं होता सर, उनके लिए ना यूनिट टेस्ट ही होता 4 times, तो उनमें सर उसको देख पाएंगे। और जो चलिए बच्चा थर्ड क्लास का है, बच्चा थर्ड क्लास का है बताइए, उनके लिए भी सर 2 तो सबमेट्रिव होता है और 2 यूनिट होता है 4, उसके लिए भी सर उसका चेक किया जाएगा कि किस सब्जेक्ट में हो रहा है, अगर सब्जेक्ट से नहीं पता चल पा रहा है तो उनका टॉपिक सर देख सकते हैं। ओके सर, घर की सिचुएशन भी तो हो सकती है कि भी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चा भाई उसमें दिमाग उसका वहीं पर है, इसलिए नहीं वो डाउन होता जा रहा है। इसके लिए मैम काउंसलिंग इज द बेस्ट मेथड, काउंसलिंग वर्ड यूज कर सकते हैं हम आंसर करने के लिए, कोशिश करेंगे कि वी विल काउंसल द चाइल्ड। इसके लिए रीजन पता करने की कोशिश करेंगे ना पहले, क्या रीजन है, वो क्यों नहीं अपनी अटेंशन पे कर पा रहा है यहाँ पे, उसी को मैम वर्ड यूज करते काउंसलिंग बोलेंगे। दिस काउंसलिंग कैन बी डन बाय टीचर्स आल्सो एंड देयर आर काउंसलर्स इन स्कूल्स आल्सो। शादा यू वांट टू ऐड समथिंग? मैम इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, हम काउंसलिंग ही करेंगे बच्चे की, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर किसी ऐसे समूह में उसने रहना शुरू कर दिया है, ठीक है, जिससे उसके मतलब पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जिसका, या फिर उसके घर की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है जिससे उसकी पढ़ाई के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं, हम काउंसलिंग के द्वारा ही पता करेंगे कि क्या रीजन है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्यों डाउन जाता जा रहा है। वन मोर पीआरटी क्वेश्चन, एनीबॉडी कैन आंसर, कोई भी जवाब दे देना, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। सर मैं प्राइमरी में पोर्टफोलियो का क्या काम होता है, कैसे बनाएंगे? क्या बोले? प्राइमरी में पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है? पोर्टफोलियो तो सर उसका पूरा कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए कि 1 year कंप्लीट हो रहा, तो उसका स्टार्टिंग से बनाया जाता है, उसका कैसा रहा ऑल ओवर, जैसे एजुकेशन में या फिर खेलने में, या उनका कोई खेल में है तो उनका सब पोर्टफोलियो में तो टोटल चीज आ जाता है। Anybody else want to add something? Sir, मेरा question है sir. हाँ जी madam. PRT teacher से. Yes. कि PRT जो class के बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं,
तो एक अध्यापक के रूप में आप में क्या गुण होने चाहिए कि आप उनको हैंडल कर सके? उसमें उसमें तो सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए उसके। और इसमें एक प्रश्न और मेरा ऐड है उसमें कि अक्सर हमने देखा है कि पीआरटी में ज्यादातर महिलाओं को चयनित किया जाता है, ऐसा क्यों? प्राइवेट स्कूल में तो अक्सर ये है कि पीआरटी में महिलाओं को इसलिए किया जाता है क्योंकि वो महिलाएं एक बच्चे का दुख दर्द या स्टार्टिंग पीरियड से वो सब कुछ देखा हुआ रहता है उनको, इसलिए। और टीचर में क्या गुण होने चाहिए? अगर आप मेल टीचर आप जाते हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? पेशेंस होना चाहिए, रोएंगे चिल्लाएंगे और कई तरह की हरकतें करेंगे वो। यस मैम, कई बार टॉपिक कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, शरारत करने लग जाता है, तो हम उसमें कुछ एक्टिविटी ऐसे करेंगे या खेल के अकॉर्डिंग करवा लेंगे या कोई पोयम बुलवा लेंगे उनसे कि भाई उनका जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींचे हम, कि भाई हमारी तरफ ध्यान हो उसका। मेरा क्वेश्चन सभी पीआरटी टीचर से है कि जैसे हम क्लास में एंट्री करते हैं जब, तो उस समय क्लास में शोर हो रहा होता है, उस समय हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम होगा कि उसको जैसे क्लास इन करने के बाद उस बच्चों को बोलेंगे, हेलो बच्चों क्या कर, मतलब उसको कुछ स्टोरी के बारे में बताएंगे कि एनीबॉडी एल्स कैन आल्सो आंसर, कोई और भी अपना माइंड लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप इनको हेल्प करना चाहे। सर मैं बता सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैडम ट्राई कीजिए ना। कि मुझे लगता है जैसे हम लोगों ने बचपन में कभी मदारी का खेल देखा होगा तो पढ़ाने से पहले डमरू बजाता था तो लोग धीरे धीरे मतलब उधर होने लगते थे, अब यहाँ कुछ होने वाला है, लोग कहीं भी होते थे ना तो वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। छोटे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हमको करनी पड़ेगी कि सारे बच्चे हमारी तरफ अपने ध्यान कर दें और फिर धीरे धीरे हम अपने मतलब पॉइंट पे आ सकते हैं उनको पढ़ाने के लिए। जैसे जैसे एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में सारे बच्चों को बोल सकते हैं कि आप टिफिन में क्या लाए हैं, एक बार सारे एंगेज होकर बताएंगे कि आज हम पराठा लाए हैं, हम पकौड़ी लाए हैं। लेकिन फिर और तो, भी कुछ उनको उनकी बात मैम, फिर तो शोर तो और होगा ना, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे हम पराठा लाए हैं, सैंडविच लाए हैं, हम ये लाए हैं। हाँ लेकिन थोड़ी देर बाद चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद वो सारे अटेंशन में आके चुप हो जाएंगे, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या हम टेबल पे हाथ लगा के उनको एक आवाज की तरफ अट्रैक्ट करें, वो उसकी तरफ अटेंशन पे करेंगे, या फिर बोर्ड को नॉक करके उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैम ये तो एक तरह से ऐसे ही हो जाए ना कि आप जबरदस्ती शांत कराना चाह रहे हैं हमको। वो एक बार के लिए ध्यान करेंगे ना, हमारी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे, वो एक बार चुप होंगे तो हमारी बातें सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। या फिर जैसे कुछ होता है ना कि आप प्रोजेक्ट शिक्षक सहायक सामग्री जिनको हम बोलते हैं, आप पहले से रेडी करके ले जाइए, उनको दिखाइए कि देखो बच्चों ये क्या है, कुछ भी आप फ्लावर्स कुछ बना सकते हैं, जैसे एप्पल आपको दिखाना तो एप्पल घर से आप बना के ले जा सकते हैं। छोटे बच्चे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हम दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है क्लास में शोर हो रहा है, तो हम बच्चों के लेवल का कोई उनकी कविता उनकी गीत को गाते हुए ही प्रयोग करें क्लास में। जैसे वो गा के दिखाओ सर, प्राइमरी लेवल मान लो प्राइमरी लेवल का गाना क्या हो गया था तुम्हें, तो बताओ कुछ रसोई वाला। जैसे प्रदीप जी के हमारे साथ में देवेंद्र जी ने कविता याद कर रहे थे कि उसमें है कि आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी खोल रहे हैं। मेरा ये मानना है शायद अगर ऐसे हम गाते हुए प्रवेश करेंगे तो शायद बच्चे एकाएक शांत हो सकते हैं। आप उसके बाद दो चार लाइन पांच लाइन गाने के बाद फिर अपने टॉपिक उनको ले आए जो भी हो। बहुत सही तरीका है भाई, बहुत क्रिएटिव वे है। सर ये एग्जामिनेशन के दौरान पहले भी चोरियां होती थी और आज भी चोरियां हो रही हैं, ऑनलाइन भी जब एग्जामिनेशन हो रहे हैं उस चीज कुछ वहां भी चोरियां हो रही है, तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे एज ए कंप्यूटर टीचर? हाँ जी विकास, योर टर्न कम अगेन। किस बात की? जी सर किस बात की चोरियां हो रही है सर? जैसे पूरी साइट हैक करके कि किसी बच्चे परीक्षा कोई दे रहा है उसकी जगह किसी और को बैठा देते हैं इस तरफ की, या फिर नकल उपयोगकर्ता नकल हो रहे हैं उस चीज को, एग्जाम्स की या एग्जाम्स की नकल हो रही है। जी 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 देखिए नकल हो रही है, इसका कारण मेरी तरफ मेरी समझ से यह है कि एक्चुअली जो हमारे पास तकनीक है उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम अभी टेक्नोलॉजी यूज करें केवल क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे लोग एग्जाम करा रहे हैं अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, और केवल डेटाबेस पर बेस करके एग्जाम करा रहे हैं, इसी कारण से सब समस्याएं हो रही हैं।
आने वाले समय में डिजिटल लॉकर सिस्टम एक होता है डीएलपी, जिसको डिजिटल लेजर सिस्टम कह रहे हैं, ब्लॉकचेन पद्धति होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी सिस्टम को हैक करने से ऑटोमेटिकली रोका जा सकता है। दूसरी बात होती है कि हर सिस्टम पे सेंसर लगा देना चाहिए, और वो सेंसर ऐसे होने चाहिए कि जो इंसान की आंखों से या फिर हाथ से या थंब से, इससे ही चलना चाहिए, बाकी नहीं। ये ऐसी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास, जब हमारे पास एआई है तो सारी चीजें हैं। तो हर सिस्टम पर जहां पे आपका वेब कैमरा लगा होता है तो वेब कैमरा के साथ सेंसिटिव कैमरे लगाने चाहिए, वो उसके हम के अलावा चलना नहीं चाहिए। तो ये भी होना बहुत अनिवार्य है। वहां जो थंब की बात, सर वेब कैमरा तो लगी रहती है सर, वहां जो थंब की बात, वेब कैमरा से स्क्रीन शेयरिंग नहीं रोकी जा सकती, समझिए बात को। नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूं, केवल आप निगरानी रख सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे एसबीआई की वेबसाइट है, अगर हम लोग एक जगह अगर लॉगिन करते हैं, अगर एक लैपटॉप पे किए तो दूसरी जगह लॉगिन नहीं हो सकता है। एक्चुअली जो वेबसाइट जो बनाए, तो कह रहे हैं देखिए, एक्चुअली वही कह रहा हूं मैं कि ये जो एग्जाम हो रहा है वो सिर्फ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे हो रहे हैं, और एसबीआई ने ब्लॉकचेन सिस्टम को ले लिया है, इसलिए हम उस पर काम कर पाते हैं। तो वही मैंने पहली पॉइंट यही कहा था कि एक्चुअली ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर एक जगह सिस्टम लॉग इन है तो वो ना हो पाए, और वो सिंपल इस स्ट्रक्चर से नहीं हो पाएगा जो ये सिस्टम पे हम लोग कर पा रहे हैं, उसके लिए अलग ही। म्यूट हो चुका है आपका मैडम, आपको बच्चों को नंबर सिस्टम पे लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे? सर मैं उनको सबसे पहले पूछूंगी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हो, तब वहीं से वो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, हम अपनी परसेंटेज बताएंगे कितने बच्चे हैं, काउंट करके बताएंगे, या मेरे हाथ में पेन दिखा के पूछ सकती हूँ मैं कितने पेन है, वो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, ये फिर जैसे जैसे जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है वहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। वेरी गुड, फिर मैं उनको जीरो के बारे में बताऊंगी, नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो होल नंबर बन जाते हैं, उसके बाद मैं उनको नेगेटिव नंबर पे लेके जाऊंगी, ये फिर उसको नंबर लाइन पे ऐसे ऐसे करके मैं नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। वेरी गुड, नेक्स्ट एनीबॉडी एल्स वांट टू टॉक? सर हिंदी वाली मैम से क्वेश्चन है।